अगले कुछ दिनों में श्रावण माह की शुरुआत होने वाली है। झारखंड के बाबा धाम देवघर में हर साल पूरे सावन मेला लगता है। यहाँ देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु जलार्पण के लिए आते हैं। हर साल लगने वाले श्रावणी मेला को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने जिला प्रशासन को आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया है। आम तौर पर हर साल यहाँ प्रसाद और अन्य सुविधाओं के लिए आपाधापी मचती है। आम तौर पर जलार्पण और पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु यहाँ से प्रसाद लेकर जरूर ही जाते हैं। देवघर के पेड़ा काफी मशहूर हैं, पर श्रावणी मेला के दौरान इसमें मिलावट और अधिक कीमत की खबरें आती ही रहती हैं। इसे लेकर सरकार गंभीर है। सरकार के निर्देश पर पहली बार देवघर जिला प्रशासन ने हर तरह के प्रसाद का रेट तय कर दिया है। साथ ही विक्रेताओं को प्रसाद में क्वालिटी का ख्याल रखने को कहा गया है। कहा गया है कि प्रसाद पेड़ा, चूड़ा और इलायची दाना की उपलब्धता, गुणवत्ता और निर्धारित दर का खास ख्याल रखा जाए। श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत को देखते हुए दुकानदारों के लिए ट्रेड और फूड लाइसेंस जरूरी कर दिया गया है। दुकानदारों को नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस और फूड सेफ्टी पदाधिकारी से फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। देवघर आने वाले श्रद्धालु बाबा को जलार्पण करने के बाद यहां से प्रसाद के रूप में पेड़ा, चूड़ा और इलायची दाना खरीद कर ले जाते हैं। जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किया है कि गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। प्रशासन द्वारा तय किए गए रेट के अनुसार अब 1 किलो में 800 ग्राम खोया और 200 ग्राम चीनी वाला पेड़ा 400 रुपये किलो, 700 ग्राम खोया और 300 ग्राम चीनी वाला पेड़ा 370 रुपये किलो, रायपुर चूड़ा 60 रुपये किलो, वर्धमान चूड़ा 50 रुपये किलो और इलायची दाना 60 रुपये किलो बिकेगा। इससे अधिक मूल्य पर या मिलावट वाली सामग्री बेचे जाते पकड़े जाने पर दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी खुदरा और थोक व्यापारियों को निर्देश दिया गया है कि मेले के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखें। इसके अलावा प्रतिष्ठान के ईद गिर्द साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही खाद्य सामग्रियों पर यूज्ड बाय डेट लिखा होना अनिवार्य किया गया है। जिनका फूड लाइसेंस समाप्त हो गया है वो अपना नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। देवघर के DC विशाल सागर एवं SDO सागरी बराल ने कहा है कि प्रसाद के निर्धारित दर से अधिक लेने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। DC ने कहा कि किसी थोक या खुदरा विक्रेता द्वारा मेला के दौरान पेड़ा, चूड़ा या इलायची दाना निर्धारित दर से अधिक पर बेचे गए हैं, उनका लाइसेंस रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्लास्टिक से बनी किसी भी वस्तु का प्रयोग दुकानों में नहीं करने का निर्देश दिया गया है। दुकानों के आसपास डस्टबिन की व्यवस्था करने और साफ सफाई का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है।